हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक है। आप सबका उस वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और वीडियो शुरू करती हूँ। तो जो मोस्ट अवेटेड जो वीडियो था वो था ये आदिवासी तेल का जो रिव्यू था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आफ्टर वन मंथ मैं इसे रेगुलर, जैसा इन्होंने इनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसे यूज़ करूँगी। और आफ्टर वन मंथ यूज़ करने के बाद जो भी मुझे फ़ायदा मिलेगा या फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो भी ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, एक महीना यूज़ करने के बाद मेरे इस शॉर्ट हेयर में इतना यूज़ हुआ है। ये मैंने 60 ml का लिया था और ये जो है मैं बोलूँगी इसमें, एक तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल भी, मतलब जैसे ऑनियन हेयर ऑयल में थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसका फ्रेग्रेंस वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही माइल्ड है, अच्छा है। और इसको लगा के आप बाहर ना ही जाए, क्योंकि थोड़ा सा मोटा तेल है, थोड़ा हेवी है, तो आप रात को अप्लाई करें या फिर शैम्पू के 1 से 2 घंटे पहले आप इसे अप्लाई करें एंड देन वॉश योर हेयर प्रॉपरली। और मैं कंडीशनर जो है मैंने वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि कंडीशनर से जो है बाल थोड़े और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कंडीशन। तो मैं देखना चाहती थी कि प्योर जो है, अगर सिर्फ इस तेल से अगर हम लोग मालिश करते हैं, हेयर ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, और आफ्टर शैम्पू व जो बाल धुलने के बाद जो कैसा होता है, कैसा रहता है, वो मुझे देखना था। तो एनीवेज इसका जो मैं बता दूँ, मैं आपको इसका ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा रहा। और जो साइड के जो ये जो छोटे छोटे जो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे ना गैप्स आ जाते हैं मोस्टली, तो ये गैप्स भी जो है मेरे पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिल हो गए हैं। और जो छोटे छोटे जो जैसे बाल ना, न्यू हेयर ग्रोथ भी इसमें स्टार्ट हो गए हैं। और मुझे उसमें इस वीडियो में मुझे कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि ये डैंड्रफ भी जो है मेरा ठीक करता है, तो हाँ ये डैंड्रफ भी ठीक किया है इसने मेरा। तो मैं जो है मेरे ऊपर जो भी चीज़ें हुई है, मतलब मुझे जो जो बेनिफिट्स मिला है, मैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे बालों में जो है मोस्टली जो विंटर्स के टाइम में ही डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो और अभी जैसे समर है, मॉनसून का सीज़न है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे स्कैल्प जो है मोस्ट ऑफ द टाइम गीले ही रहते हैं पसीने की वजह से। और जिस वजह से जो है हमें इसलिए कहा जाता है कि हफ्ते में एटलीस्ट आप जो है 3 बार अपना हेयर वॉश करें प्रॉपरली, और हेयर ऑयलिंग करने के बाद। इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प जो होते हैं वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी जो है मैं इसको यूज़ करने के बाद मैं साइड में ये जो आप जो छोटे छोटे जो बाल देख रहे हैं, ये नए, ये न्यूली ग्रोन हेयर है, बाल है, जिसको कि आप देख रहे हैं, ये देखिए पहले नहीं तो ये बिल्कुल ही खाली था। और आप देख सकते हैं वीडियो में बिफ़ोर आफ्टर का आप जो फ़र्क है, ये देखिए यहाँ पे ये आफ्टर वन मंथ का ये ग्रोथ है, ये सारे नए बाल है, अदरवाइज़ मेरे बाल बिल्कुल जो है बिल्कुल यहाँ से खाली हो गए थे। आप यहाँ पे अगर मैं इसे हटा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है हल्के हल्के बाल जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। ये जगह भी जो है यहाँ पे, इन सब जगहों में जो है आपका हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो ये अभी जो है, पहले अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बाल बांधती थी, मैंने सिर्फ एक सिंपल से एक बनाना क्लिप लगाया है, तो बिल्कुल यहाँ से जो कहते हैं ना, जो ब्लंट टकला जिसे कहते हैं, बिल्कुल खाली वैसा महसूस होता था। बट अभी जो है आप देख सकते हैं, देखिए मेरे बालों की, ये देखिए सी द डिफरेंस। तो ये है अभी का सिचुएशन। मैं अगर चाहूँ तो मैं मेरे बाल जो है खोल के भी मैं रख सकती हूँ, मैं आपको कोम करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए देख रहे हैं आप कितना हेयर ग्रोथ हुआ है।
डैंड्रफ के बारे में भी पूछ रहे थे आप में से कईयों का, जो है आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि ये डैंड्रफ भी ठीक करता है। तो हाँ, ये डैंड्रफ भी कई हद तक इसने मेरा भी ठीक किया है, करता है। पर ये आदिवासी तेल ये जो क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग डैंड्रफ के लिए और लॉन्ग हेयर ग्रोथ के लिए जो है आपको अपलांट हेयर के लिए, इनके ये तीन कैटेगरीज है। इनका एक कोर्स होता है वो आई थिंक 500 ml का जो है बॉटल होती है, वो शायद दो यूज़ करना होता है, उसके बाद जो है आपको उसके बेनिफिट आपको मिलने लगते हैं। गर्ल्स के लिए अलग होता है और बॉयज़ के लिए अलग होता है, वो कुछ मंथ्स का है। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे आदिवासी तेल के बारे में तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ सिर्फ पर्टिकुलर इस तेल के बारे में। तो अगर आप लोग ये तेल लेना चाहते हैं, मैं बोलूँगी आप लोग आँख बंद करके इस तेल को लीजिए, क्योंकि ये तेल में कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मेरे हेयर फॉल भी जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो गए। नहीं तो मॉनसून में जो है, जैसा मैंने बताया, स्कैल्प हमारे गीले रहते हैं पसीने की वजह से, तो ये नरम रहती है तो बाल जल्दी टूटते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी जो है मेरा इस तेल से काफ़ी हद तक जो है वो जो रिलीफ मुझे मिला है। पहले के कंपैरिजन में मुझे अभी मेरा जो हेयर फॉल है वो भी मेरा बहुत कम हुआ है। इस तेल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% जो है आपका नेचुरल है, हर्बल है, इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया हुआ होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आप जैसे देखिए, मैंने अभी फिर से मैंने बालों को जो बांध लिया, आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितने ज़्यादा जो है आपके न्यू हेयर ग्रोथ्स आपको नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस तेल, विद दिस हेयर ऑयल। अगर आप लोग में से कोई भी, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, मैं बोलूँगी आप लोग बेझिझक होकर आप लोग इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये तेल का सबसे जो मेन एडवांटेज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं। जैसे हम डरते हैं ना कि नए प्रोडक्ट्स हम अपने बालों के लिए, स्किन के लिए हम लोग डरते हैं कि हम लोग यूज़ करें कि नहीं करें, पता नहीं वो हमारे बालों में, हमारे स्किन पे वो चीज़ें कैसे सूट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोग जो है इस तेल को ज़रूर से यूज़ कीजिए। मेरा इसका प्रीवियस जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने जो है इस प्रोडक्ट का लिंक, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कोड है वो मैंने मेंशन किया था। इस वीडियो के नीचे में भी जो है आपको प्रोडक्ट का कोड और मेरा रेफरल कोड जो है वो दोनों ही मैं दे दूंगी। अगर आप लोग फर्स्ट बायर है, मैंने ये प्रोडक्ट मीशो से लिया था, तो आप जो को जो है इसका 15% जो है डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और अगर आप लोग ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं तो अपना अपना एक्सपीरियंस भी जो है इस वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताएं, और जिससे कि लोग और ज़्यादा अवेयर हो अबाउट दिस तेल। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस तेल। तेल जो है ये आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, पर मैंने कई तरह के, मैंने कई ब्रांड्स के, मैंने ऑनियन तेल जो हेयर ऑयल है, ऑनियन तेल, ऑनियन शैम्पू वगैरह जो भी है, वो सारे मैंने प्रोडक्ट यूज़ करके देखे थे, पर मुझे इसमें जो बेनिफिट मिला वो मुझे बेनिफिट किसी और ऑनियन हेयर ऑयल में, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, नहीं मिला। बट हाँ, इस तेल में मुझे बेनिफिट ज़रूर से मिला है। इस ये ख़त्म होने के बाद जो है इसका मैं इस बड़ा फाइल में इसका ऑर्डर करूँगी। और अभी ये तेल जो है हम दोनों, यानी कि हम हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी, हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बालों में भी पहले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तो इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप सबको, बेझिझक होकर इस तेल को, हेयर ऑयल को आप लोग यूज़ कीजिए। 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, जो क्लेम करते हैं वही ये लोग जो है सर्व भी करते हैं। इसके वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको जो है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। अच्छी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम होती है, जल्दी होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो मैं इस मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ वही रिव्यूज़ शेयर करूँगी जो मैं मेरे ऊपर खुद अप्लाई करूँगी, भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। पहले मैं उसे यूज़ करूँगी अपने ऊपर, उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ उस प्रोडक्ट का वीडियो जो है, रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो। अभी मैं शॉपिंग करूँगी या जो भी मैं लेती हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं वो उसका एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है।
जैसे किचन की मैं बात करती हूँ, किचन किचन में अगर आप हम लोग ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते हैं तो हमें देख के, तो वीडियो में देख के हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, मतलब थोड़ा हमारे लिए सही रहेगा। पर हम हमारे किचन, क्योंकि हर किसी का घर का साइज़ अलग होता है, किचन का साइज़ अलग होता है। टू बी ऑनेस्ट मेरा जो किचन है वो बहुत ही छोटा है, आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज़र में अगर मैं लेने के बारे में सोचती भी हूँ तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं उसको लूँ तो मैं लूँ कहाँ, मतलब कहाँ रखूँ मैं उस चीज़ को। तो बस यही है कि मैं अपने जो भी मैं चीज़ें खरीदूँगी उसको मैं यूज़ करूँगी, पहले मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूँगी कि मैंने ये लिया है, देन अब मैं आप लोगों को जो है बताऊँगी कि आफ्टर यूज़ वो मेरे लिए वो कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा, वो मेरे लिए कंफर्टेबल था नहीं था, जो भी था मैं वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से जो है शेयर करूँगी, ताकि आपको जो है वो आपको बेनिफिट, आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ अगर ये चीज़ मैं लूँगी तो वो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, मैं जिस जगह पे उसको यूज़ करना चाहती हूँ उस जगह के अकॉर्डिंग वो चीज़ जो है सही होगा या नहीं होगा। तो इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है। तो वो प्लस एंड माइनस को अगर हम लोग जो है अगर अलग अलग तरीके से अगर हम लोग दिखाते हैं, शो करते हैं, तो फिर वो यूज़ करने के बाद ही एक्चुअली पता चलता है, तो उससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो आई होप कि आपको जो है मेरा ये आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। बिफ़ोर आफ्टर का पिक्चर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के दौरान ही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।